एक गेम जिसने पूरे के पूरे गेमिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया है वो है पालवर्ड। इस गेम के अंदर सब कुछ है यार। अगर तुम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये गेम क्या है, तो ये बेसिकली भेलपुरी है सारे के सारे गेमिंग का। मतलब माइनक्राफ्ट, आर्क, पोकेमॉन, लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, ऐसी बहुत सारे गेम्स का जब मिश्रण करके उसका एक शिवपुरी बना के उसके ऊपर एक तीखी तमतमती चटनी के साथ मिला के उसको जो बनाया है इन्होंने वो है पालवर्ड। मजा आया। और इस गेम ने इंटरनेट को तबाह करके रख दिया है। और 19 तारीख को जैसे ही गेम रिलीज हुआ था, मैं को इसकी पोटेंशियल दिख गई थी और मैं स्वाटी को कन्विंस करना चालू किया। तब जाके आई थिंक 21-22 तारीख को फाइनली वो कन्विंस होकर खेलने के लिए तैयार हो गया। हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सही प्रोग्रेस किए, एक्सप्लोर किया है और बहुत सारी चीजें, और वो तुम लोग देख सकते हो लाइव स्ट्रीम के चैनल के ऊपर हम लोगों ने किया था। बट डोंट वरी, तुम लोगों ने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीजें बता दूंगा क्या क्या हम लोगों ने किया था। अभी शुरू करते हैं हमारा द हिमलैंड्स पालवर्ल्ड। आज हम टेम करेंगे मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर किसी भी कीमत पे। ऐसे ही स्टार्ट कर दो। ओके, देयर वी गो, स्टार्ट दिस। तो मैंने वर्ल्ड बना दिया है, हम लोग 7 लेवल के हो गए हैं और ये गेम सब कुछ है यार। इससे हम लोग ने घर बना दिया था। अगर तुमने लाइव स्ट्रीम वगैरह पूरी नहीं देखी होगी तो तुम लोग को पता नहीं होगा। तो दिस इज आवर घर जो पूरी तरह से ऊपर से खुला वगैरह है, पर इट्स ओके, वी डोंट गिव ज़्यादा कुछ मेहनत इसके ऊपर। पर सो फार हम लोग ने इतना सब कुछ बना के रखा है, मतलब हमने क्या, मतलब मैंने और श्रीजन ने बना के रखा है। स्मार्टी वहाँ पे AFK होके 1 HP के ऊपर मरे पड़े था, तो हमारे ऊपर अटैक्स वगैरह हुए थे। और अभी फिलहाल के लिए मेरा टारगेट है आज किसी भी कीमत पे मेरे लिए वो हॉर्स फाइंड आउट करना। मैं ट्रेलर में देखा कि लोग हॉरिजॉन जीरो डॉन के अंदर, पता है वो डायनासोर्स के ऊपर, लाइक इलेक्ट्रिक डायनासोर्स के ऊपर लोग चढ़ सकते हैं और उनको लाइक टेम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ है। अभी फिलहाल के लिए हमको कुछ चीज़ों का पर्दाफाश करना है जो यहाँ पे है। तो बेसिकली इट्स लाइक पोकेमॉन्स, मेरे पास पोकेमॉन्स है और मैं दूसरे सारे पोकेमॉन्स को पकड़ सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। बहुत से टूल्स है, तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास बहुत से टूल्स है, जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट। उसके बाद मेरे पास पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो पूरी तरह से आग से रिसेंबल करता है। तो दिस इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, इन्होंने सब कुछ दे दिया हम लोगों को। और इसका मैप तो देखो यार, लेकिन भरा पड़ा है यार पूरी तरह से, लाइक एलिवर लाइक बाय द वे। अगर तू लोग सपोर्ट देते हो इस सीरीज को तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से। वुड से नॉर्मल बो तो बना लेते हैं, जीवन में छोटी छोटी चीजों से प्रोग्रेस करना चाहिए। लेट्स गो वुड चॉप चॉप बेबी। ओ, मुझे ऑलरेडी दिख गया जिसका मुझे तलाश था। ओके, मुझे जो राइड चाहिए, जो डायनासोर्स मुझे चाहिए, डायनासोर्स बोल रहा हूँ मैं, जो पोकेमोन मुझे चाहिए, पोकेमोन भी नहीं बोल सके, जो पाल मुझे चाहिए। इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट यार इस गेम को बोल पाना। इट्स लाइक अ पोकेमोन, ज़ेल्डा और बहुत सारी चीजें एकजुट होके ये चीज बना है। वो रहा हमारा शिकार। एक मिनट, मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ अपनी। आई नो कि हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं करना, बिकॉज ये हमारा आजू बाजू का इलाका है। पर अभी कोई किसी को चुगली नहीं करेगा, स्मार्टी को बताना मत कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा तोड़म तड़ी कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग एक्चुअली तय किया था कि इसको बहुत ज्यादा सुंदर रखेंगे और दूसरी जगहों पर जाके तोड़म तड़ी करेंगे, जस्ट लाइक अमेरिकन्स। ओके, ये सारी चीजें नहीं बोलनी। यार सीरियसली मुझे ऐसे लगता है यार, हमेशा वो साला सारे जो चीजें प्रोल्यूशन कर सकती है वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे सौंप देते हैं ना चाइना और इंडिया की तरफ, ताकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन हो, खुद के यहाँ पे कुछ नहीं करते भाई। ही इज 9 लेवल, शायद मैं इसको पकड़ सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे पकड़ना है इसको। मेरे पास है आइटम्स है क्या मेरे पास? ओके, मेरे पास 8 है, तो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, ट्राई करे पहले ही, जो होगा देखा जाएगा, क्या ही होगा, मर जाएंगे और क्या होगा। और मैंने नए मूव सेट भी सिखा के रखे अपने पैल को, सो होपफुली इसको वर्क आ जाएंगे। मैं इसको लेकर पोकेमोन की तरह हम लोग नए नए मूव सिखा सकते हैं। सो इट्स लाइक अ डार्क टाइप पोकेमोन और ही इज वेरी शाइनी एंड आई वॉन्ट टू किल हिम, पर क्या करूँ, बो बना, एक काम करते हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला, होप सो। सो पहले, ओ यहाँ पे बहुत सारे हैं, वेट अ सेकेंड, पहले बो बना लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। मैंने यहाँ पे बेंच बना के रखा था, हम लोग बहुत ज़्यादा जगहों पे ना बेंच बना के ऐसे ही छोड़ दिए। सो अभी वो काम आ रहा है। सो इससे गुड मैन, कभी कभी छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें इवेंचुअली काम आई जाती है। आजा भाई, ए तू कभी जीवन में मदद करना मेरे को, ये साला मेरे को मदद नहीं करता। वो कुछ श्रीजन ने पकड़ा हुआ एक पाल है, वो लाइक मदद बिदद करता है यार हम लोगों को। कौन सा पाल है वो, लेट मी नो। इसे मैं तो पोकेमोन ही बोलने वाला हूँ, कौन सा पोकेमोन है वो। अभी फिलहाल के लिए एक्सेसरीज में रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रखना है आई थिंक, सो मशाल के यहाँ पे रखना है, इज गुड। एरोज है मेरे पास,
तीन एरो से क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, बनाना एरो बनाना तुम। अच्छा ये तीर ही बना सकते हैं, सॉरी ओके लेट्स गो। छह एरो से वैसे कुछ होगा तो नहीं पाए, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं थोड़ा सा और वुड मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या क्या चाहिए इसको? ओ स्टोन, सारे स्टोन तो हवा ऐसा लेगा ना भाई, ये लो भाई। आई थिंक सो वी आर रेडी टू टेक द चैलेंज। आज होगा आर्या पार मेरे घुबड़ू। अबे डोंट टेल मी भाई इतना टाइम लगेगा मेरे को करने के लिए इसको। हे भगवान, 18, लेट्स गो फॉर 18। 18 मिलेगा, अपना सपना सफला होगा। वो देखो साला ये हरिया ने हम लोगों को बहुत मारा था साला। ये जो बंदरिया दिख रहा है ना तुम लोगों को, अगर जूम करना पड़ेगा मेरे को एडिटिंग में, पर ये बंदरिया बहुत ही ज्यादा हरामी दरिंदा था भाई। इसने हम लोगों को पटक पटक के पीटा था भाई, मेरे को स्मार्टी को ऑक्सीजन को। सो इससे बच के रहना। वैसे मैं मरा नहीं हूं, स्टिल अनमरेबल इन दिस गेम। आई होप सो मेरी फर्स्ट डेथ होगी आज, मे बी आई एम नॉट श्योर। आई गेस इतने इनफ है यार, क्या करें, 12 से हो जाएगा। आई डोंट, मुझे सिर्फ ये डर है कि वो झुंड में है, उनमें से एक दो अगर मेरे ऊपर हमला करे तो मैं खत्म हूँ। सो मुझे लोएस्ट लेवल वाले बंदे को लेना है। आई एम नॉट श्योर लोएस्ट, 18 दे भी को दे दो सर, और दूसरे भी बना सकता हूँ पर अभी जरूरत नहीं है। लेट्स गो, जो होगा देखा जाएगा सर। 11 लेवल नहीं भाई, 11 लेवल नहीं, कहाँ पे गया वो, एक 9 लेवल वाला था, मुझे को चलेगा। आई एम नॉट श्योर यार, मुझे को सिर्फ राइड करने से मतलब है बेड़ा, हमको सिर्फ तुम चाहिए। ओके ये कितने लेवल का है यार, इतने दूर मत जाओ यार, इतने दूर चला गया है वो। ओके मुझे सिर्फ डर है कि मेरे ऊपर, ओ यही रहा 9 लेवल वाला, मुझे सिर्फ यही डर है कि मैं फालतू में गैंग बैंग ना हो जाऊँ। लाइक अब 4-5 लोग एक साथ आ जाएंगे ना तो मेरा मर्डर हो जाएगा। ये कौन है, 11 लेवल, मेरे पता मत देखना। 1 2 3 1 2 3 लेट्स गो। पट से हेडशॉट। ओ भाई आई एम द चैंपियन ब्रो। अरे कितना क्यूट है। नहीं सर, आ नहीं, मारना मत सर, मारना मत सर, मर के देखो मजा आएगा। आई एम नॉट श्योर इट, ओहो हमको मारेगा तुम। ओके वेट अ सेकंड, भागना मत भागना मत। ये पाविजर शक्ति कैसे करते हैं, रुको, पाविजर शक्ति, पाविजर पावर, खा नहीं मैं मर जाएगा। ओह कम ऑन कैच इट। 42% चांसेस है छोटी, 42%। आजा प्लीज, आजा प्लीज। यस, माय ब्रदर, तो ऑलमोस्ट यार। ये खाना खाने का कुछ शॉर्टकट की होता है क्या, एक्सेसरीज वगैरह कुछ तो होना चाहिए भाई, ये बहुत खतरनाक है भाई। अरे कुछ तो ले भाई, इसको दे दो यार। चल अपना भाई मिल गया हमको, चल भाग। ओ भाई दैट वॉज कूल। ओके मजा आ गया भाई, मजा आ गया फाइनली, मैं बहुत ज्यादा चलन होने वाली है स्मार्टी को। हमारे पास यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। अभी होगा मजा, आज होगा मजा। मिल गया है मुझे मेरा सपना, आज होगा सब अपना। आज ए कायदे इसको उठा के फेंकेगा साला, आजा तेरे को पार्टी जश्न भूंदा रहेगा। आज कोमड़ी बनेगा कोमड़ी, आज कोम, इसको फेंकते कैसे भाई, कोमड़ी बनेगा कोमड़ी, पकी हुई कोमड़ी। ए भाई तू क्यों चल रहा है, बाबा तू क्यों चल रहा है, ये साला मर जाएगा यार, पानी में जा साले, पानी में जा। ओके सीड दिस, ओके आई एम हैप्पी फाइनली, मुझे अभी सिर्फ खाना खजाने की जरूरत है एंड वी आर गुड माय ब्रदर, आई एम गुड। एक में खाना कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ है जीवन में? ओके बॉल्स ले लो, थैंक यू सो मच सर। अरे लेना भाई अपना ही चे, और क्या है इसके पास, ये आई थिंक सो ये किसी और का है पर हम लेगा बिकॉज वाई नॉट मैन। एक ओ सारा ब्रेड मेरे से दूर नहीं रहने का,
क्या करने का, ब्रेड अपना चे एक का सब लोग छुपा के रख रहे हैं मेरे से ब्रेड इस वर्ल्ड के अंदर, इस हिमलैंड्स के नए यूनिवर्स के अंदर हमसे ब्रेड ना बचेगा बाबा। एक तो ब्रेड बहुत रह रहे यहाँ पे और मिलता है तब बहुत ज्यादा ऑसमली, लेट्स गो, मजा आता है। कहाँ पे गया मेरा पाल? अबे मेरा पाल किधर है? ये रहा मेरा पाल। ओके एक का पाल एट द बे, आई थिंक सो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना किसी को, आई गेस लेट्स गो फॉर दिस। ऐसे करना होता है। सो इस बंदे को इधर रखो साहब, इस बंदे को इधर रखो, दैट्स कूल। और इसके बाद लड़ाई वाले लोग कौन से लेट मी नो ताकि हम लोग उनके साथ खेले। अभी फिलहाल के लिए ओ ओ माय ब्रदर, एक टाइम पे एक ही ले सकते हैं क्या? ए रुक रुक, ए ए क्या कर रहा है तू? ओ तू वुड चॉप चॉप करता है भाई, मत कर। ए भाई, ए भाई, इसको राइड कैसे करना है यार, इसको राइड कैसे करना है? अरे रुक, ए तू भाई, हमने तय किया है कि घर दे तोड़ दे भाई। ये बंदा घर तोड़ने, ये घर तोड़ने को आ गया भाई मेरा। एक मिनट, मेरे को नया टेक्नोलॉजी मिला, सैडल बीडल होता है क्या कुछ? सैडल सैडल कुछ सैडल वगैरह है, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर एक, नहीं पानी बीनी का नहीं चाहिए हम लोगों को। टून क्या क्या टूंड्रा आउटफिट, आई थिंक ठंड प्रदेश के लिए होगा ये, ट्रॉपिकल आउटफिट की जरूरत तो है नहीं, मेरे को सैडल की जरूरत है। ओ देयर वी गो सैडल। ओ भाई मुझे 12 यार, मुझे 12 लेवल का बनना पड़ेगा। और मुझे हॉर्न चाहिए जो मेरे पास 2 है, पर यार ये क्या है, हे भगवान बहुत मेहनत है यार। इस गेम के अंदर गन्स वगैरह भी है, इन्होंने सब कुछ डाल दिया भाई एक ही गेम के अंदर, वैल्यू भी डाल दिया है। मैं बताना भूल गया था ये कौन सा लेवल, 3 लेवल 3, ठीक है आई कैन हैंडल यू। ए आओ, गरीबों को मारता है गरीबों को, ए दोनों नहीं लड़ने का यार। इसको पकड़ो, तुम हमको मारेगा, तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया हमने, नाइसली डन। पकड़ो इसको, अपना ही चबाए, अपना ही चू, अपना ही चबाए। आ जाओ सर, नहीं सर, ये लड़ाइयां ऐसी होती है भाई जब मैं सबको पकड़ना चालू कर देता हूं। ये भाऊ काय कर, ओ भाई मर के देखो, मजा आएगा तुमको, थैंक यू सो मच। चलो सबको पकड़ लिया मैंने, दैट्स हाउ वी डू माय ब्रदर। इसकी म्यूजिक इज सो ज़ेल्डा वाइब्स यार, ये गेम पूरा ज़ेल्डा ज़ेल्डा है, इसका है ज़ेल्डा। और वो कौन सा जो मैंने खेला नहीं, बिकॉज मैं ज़ेल्डा खेलता हूं तो मैंने उसको बहुत इग्नोर किया है। ये क्या है, सील दे रहे मैं, ये क्या होता है, एंटर द डंजन, आई डोंट नो, मुझे जाना चाहिए। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तू किधर है, तू खेलेगा? ओ भाई तेरी हेल्थ तो बहुत कम है भाई, तेरे को खाने के लिए, यार तेरा खाने की तो समस्या हो गई भाई, ये इतना कैसे पीट गया यार इस बंदे को, तो मैंने सोचा था ये बहुत अच्छा खेलेगा। ओके एक काम करते हैं, वापस जाना पड़ेगा इस एंटर द ड्रैगन वॉट एवर जो कुछ चीज है रेलम के अंदर, डंजन, लेट्स गो, इस डंजन के अंदर जाना पड़ेगा हम लोगों को जल्दी। वो आओ मेरा चेक, ओ नाइस, चलो मेरे को फास्ट ट्रेवल तो मिल गया, यहां पे आने के लिए फास्ट ट्रेवल कर देंगे हम। देखो फास्ट ट्रेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा देखना भूल जाता हूँ। वहां पे ग्रीन कलर का यार, इस गेम में बहुत एक्सप्लोरेशन है जो बहुत मजेदार है। आई नो कि इस गेम ने बहुत ज्यादा कॉपी किया है, यहाँ वहां से चीजें ढापी है, क्लियरली ढापी है, लाइक बिना शर्म हया सब कुछ साइड में रख के इन्होंने पूरी तरह से। वेट अ सेकंड, ये क्या है, 29 कैटरेस, आई एम नॉट श्योर इसका क्या यूज है, बट लेट्स गो फॉर बेस, थोड़ा सा खाना वगैरह बना लेते हैं ताकि हम लोग उस डंजन के अंदर जा पाए और देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। रेसिपी लेट्स गो, हम स्टू कबाब बनाएगा, कबाब खाएगा, लेट्स गो कबाब कबाब, लेट्स गो कबाब बनाओ सर, आ जाओ, नाइस वन। सर ये श्रीजन के लोग मेरे लिए काम नहीं करते क्या? नहीं ये सो गए होंगे रात के अंधेरे में, सोए या नहीं सोए वो भी नहीं पता मेरे को। 20 minutes later. अभी फिलहाल के लिए हम लोग सोने वाले हैं, सुप सब भाई, बिकॉज मेरा जो ये वाला पैल है वो आई थिंक सो ट्रैवलिंग के लिए बेटर है, लड़ने के लिए मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है ये अभी फिलहाल के लिए। आई नो मैंने 2 मिनट में अपना खाता बदल लिया है। कॉमन शील्ड, ओ बना लेता हूँ भाई, हमको सब मांगता है भाई। अरे यार कोई मदद करो यार, ये श्रीजन की छोकरी, थैंक यू सो मच,
आहा, इसको बोलते हैं सीजन की छोकरी जो हमको मदद करती है। भाई तू क्या कर रही है, कहाँ डल रही है? लड़की लड़की नहीं लड़की, व्हाट भाई तू मदद के नाम पे ये बहुत अलग चीजें कर रही है, ऐसे नहीं लगा तुम लोगों को? शील्ड कहाँ पे रखनी है बताओ मुझे, शील्ड दिखती भी कैसी है? आई थिंक स्मिथिंग टेबल भी इस गेम के अंदर होगा, बिकॉज ऑर्स मिल रहे तो उसको स्मिथ भी तो इवेंचुअली करना पड़ता होगा। लेट्स गो फॉर दैट डंजन। ओके, मैं क्यों इतना ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ भाऊ, हमारे पास है हमारा फास्ट ट्रैवल। ओ, फास्ट ट्रैवल कैसे करते हैं? आई थिंक सो बेस से करते हैं, एक वे मुझे देखना पड़ेगा फास्ट ट्रैवल करने के लिए क्या है। आई गेस यहाँ से फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे करते हैं फास्ट? हाँ, दे रहे, फिर देखो फास्ट ट्रैवल माप्रता, लेट्स गो माप्रता, लेट्स गो फॉर दैट डंजन, डंजन नाइट मेरे माए। ओ सेकेंड, तुम कहाँ है ससुरा? तुम वेरी इंटरेस्टिंग, एक मिनट इसको ऐसे नहीं मारते। ओ वेस्ट, वेस्ट करने के लिए बहुत माहिर हूं मैं। 1 2 3 एंड अरे ये शिप का विकसित रूप है भाई, आओ ओ ओ This is like a Jigglypuff, मोटा मोटू Jigglypuff, जिगा Jigglypuff, जिगा Jigglypuff। ओ भाई, what was that? ओ भाई, अरे भगवान, वो मर पुम्बा ने पुम्बा मदद करते हुए मुझे। अरे पकड़ लो क्या इसको? नहीं, ये बहुत कम। आओ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको थोड़ा सा दूर से मार करने पड़ेंगे, नहीं मर जाएगा, मरना मत। आई चूज यू, प्लीज आ जाना, प्लीज आ जाना सर। पकड़ो इसको, डाय सर, मर के देखो। नाइस वन भाई, प्रोफेशनल बोलते हैं मेरे को, क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। मैंने बोला ना मर के देखो मजा आएगा, पर मेरा व्हाट, क्या हो गया तुझे भाई? नो मेरा औली भाई, एक में इसको, यार इसको मैं जिंदा तो कर सकता हूं ना? हे भगवान, नहीं, Use this, खाना भाई, खाना खा ले यार। मेरा एकलौता दोस्त था यार, जो इतने टाइम से था, वो मर गया, क्या वापस नहीं आएगा? बिंटू मारो, बिंटू यार मारो, बिंटू his love, I'm not sure, ये इतना मैंने इसको सिखा के रखा था यार, बहुत सारे पेतरे बितरे। भाई मैं बहुत रिस्क ले लेता हूँ यार, मेरे अंग में बहुत खुजली लिया भाई, मेरे अंग में बहुत खुजली लिया, तुम लोगों को पता चला यहाँ पे करने आया था कुछ और, हो गया कुछ और, मैं भूल जाता हूँ कि लेवल अप भी करना है। फ्रूट सैलेड नहीं बनाना हम लोगों को, रहे give me, at least मेरे को कुछ तो सैडल मिला। Oh dude, give me this saddle. Oh भाई मैं अब भी बना सकता हूँ, let's go, मेरे को मिल चुका है, चलो छोड़, बड़ा नहीं तो छोटा मोटा तो मिल गया ना बाबा हमको, छोटा मोटा तो भाई इच्छा, देखो अगर किसी चीज को ना एक अच्छे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की शिद्दत जिद्दत में लग जाती है भाई, और शिद्दत जिद्दत में मिल गया ना भाई, मिल गया भाई, मैं बोला ना भाई, किसी चीज को चाहो तो ऐसा चाहो कि भाई गेम ही बता दे, भाई देखो भाई तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। ओ ये कौन है, ये छुई मुई कौन? ओ यार इसको मार के देखे, मतलब मार के, मतलब क्या मार दे, मार दे क्या छोकरे को, मार दे, दो लेवल वाला है, आ जाओ, तुमको मारने का मजा आता भाई। अरे यार खत्म हो गए भाई, ओ भाई शील्ड को मारता साले। ओ मुझे एक्चुअली इसके भी खिलाफ था वाटर टाइप यूज करके देखना चाहिए ना, लेट्स ट्राई वाटर टाइप वर्सेस हिम। अरे देखा, ये खुद ही पानी में जा रहा भाई, तू मरा हुआ है, हेलो सर, इसको पता नहीं है यार, एक्टिंग कर भाई मरने का भाई। 1100 रुपया देखे ये मिला है मेरे को भाई, यहाँ पे 1100 रुपया देखे ये मिलता है भाई हमको, मारो ना भाई उसको, अटैक, तुम वॉटर टाइप है यार, मार उसको,
मर के देखो सर, मर के देखो ना, मर के देखो ना, मजा आएगा ना। नाइस वन। अब मेरे को स्पेस से ओ मिल गया ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलता है मेरे को। लिटरली हम लोग ऑर्गन्स ले रहे हैं जानवरों के, व्हिच इज गुड। चलो ठीक है, मेरे को क्या कलेजी मिल गया मेरे को। लेट्स गो बेस, लेट्स गो बेस बॉयज, लेट्स गो बेस, बिकॉज हमको मिल गया है नया आइटम जिसके साथ हम लोग बनाएंगे हमारा फर्स्ट सैडल। ऑब्वियसली वो क्यूटी पाई का सैडल बनाने वाला हूं मैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट यार, सैडल बनाने के लिए भाई सब कुछ तो है मेरे पास। सैडल मेकर, सैडल मेकर वगैरह, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है इस गेम के अंदर क्योंकि सैडल मेकर अलग हो। ओके, तो अभी मुझे पता चला कि एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरे पास एक्चुअली पाल गियर वर्क बेंच नहीं है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे पाल गियर वर्क बेंच करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे लेवल अप करना पड़ेगा एक, ताकि मुझे पॉइंट्स मिल पाए। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी फिलहाल के लिए मैं कितने लॉयल लेवल पे हूँ, उफ यार, उफ उफ। 20 minutes later. थोड़े बहुत पायल का मैंने मर्डर शर्डर कर लिया है, यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो उनकी लाशें, और फाइनली आई एम लेवल 9। और उसी के साथ हम लोगों को मिल चुका है, खाना खा के आया हूँ मैं ग्राइंड करते करते, सो पायल गियर वर्क बेंच फाइनली हम लोग अनलॉक कर सकते हैं और फाइनली उसको बना सकते हैं। माय ब्रदर, लेट्स गो। फाइनली अभी मैं किसी के ऊपर राइड कर सकता हूँ। ये बहुत गलत साउंड कर रहा है क्योंकि है ये गलत, पर इट्स ओके। अरे नहीं, अच्छा तो सॉरी, मुझे लगा कि मैं पोकेबॉल फेंक रहा हूँ मेरा। एक्चुअली मैं पोकेबॉल फेंक फेंक के ही उनको वेस्ट कर दे रहा हूँ, मेरे को वुड की जरूरत है। देन वी आर गोइंग माय ब्रदर, फिर तो अमीरी होगा अमीरी। ओके यार, आई नो कि यहाँ के वुड ना तोड़ने का तय हुआ था, पर अभी मैं खुश हूँ। अबे तू क्यों घूम रहा है बे, तू इधर आ से साला। हमारा पुम्बा इज हियर, पुम्बा ऑलवेज विन माय ब्रदर, पर अभी पुम्बा को भी जाना पड़ेगा बिकॉज हमारा यूनिकॉर्न गोइंग टू गेट दिस सैडल माय ब्रदर। आ जाओ, अभी होगा सैडल का बारिश। एक मिनट, तू वापस ही आ जा, बिकॉज अभी सैडल बनने वाला है इस दादा का। आई नो बड़े दादा का भी बन सकता है, पर मुझे 12 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। अभी मैं 9 लेवल पे हूँ और डंजन में होपफुली नए राज होंगे ही, सो वो हम लोग पर्दाफाश करेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए हम बना रहे हैं हमारा द बेन, द वन एंड ओनली द पाल का ये क्राफ्टिंग व्हाटएवर जो कुछ भी है। कहाँ पे लगाओ इसको, बीच में भीड़ ना हो जाए। ओके, आजू बाजू ये कर देता है, लेट्स गो बनाओ सब भाई। 50 सेकेंड भाई, इसमें घर जाएगा मेरा पूरा। हे भगवान, यहाँ पे डीजे भी चालू हो गया। इनको कैसे पता चल गया कि मैं एक्चुअली अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अरे थैंक यू भाई, मातरमा जी, यू आर द वन द वन, ये श्रीजन की याद दिलाता है मेरे को। आ जाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को भी वुल निकाल के बाहर रख देना चाहिए ना, नहीं हमको अलग ही चोच लेना। मैंने एक्चुअली सीखा ही नहीं कि एक्चुअली उनको काम पे कैसे लगाते हैं। मेरे को भी अपने सारे लोगों को काम पे लगाना चाहिए, जिसी के साथ दू नहीं, एक इनफ है अभी फिलहाल के लिए। तो दिस इज इट, मेलपैका, मेलपैका, अल्पाका, इसको रियल में क्या बोलते हैं, अल्फाजा, अल्फेका, अल्पैका, हमारे माइनक्राफ्ट में तो कुछ अलग बोलते हैं यार। दोनों लोग काम कर रहे हैं फिर भी इतना टाइम, ये काम के नाम पे कुछ नहीं करते देखा जाए तो, बीच पे इतनी गैप में भाई, ये क्या कौन सा भाई हुलुजुलेशन यूज कर रहे हो तुम, हुलुजुलेशन है तो कर रहे, ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, इसको तो हाथ ही नहीं है, ये क्या ही कर रही है। इट्स ओके, हुलुजुलेशन जो कुछ भी हो, हम वो देखो वो कितना टेम्पटेशन हो गया है उसको, पूरा का पूरा दे रहा हो भाई। आ रहा हो सर, आ रहा हो, हाँ तू बस से प्यार कर रहे मेरे से, प्यार बेर बाद में, अभी फिलहाल के लिए सैडल लगाओ। ए भाऊ, ए ए तुझा नाना ची टांग घेया है तो ना बाजू लग, इधर आओ सैडल कैसे, ओ एफ टू राइट, ओ देयर वी गो, फाइनली द लेजेंड द मिथ वाज रियल, आई एम द यूनिकॉर्न चैंपियन। अरे यार इसका देखो ना, वो आइसक्रीम के कोन नहीं होते वैसे, काइंड ऑफ नाक नहीं है इसका, आइसक्रीम के कोन वाला नाक, आइसक्रीम के दुम वाला नाक, yeah, but this is the one. ओ इसका भी स्टैमिना, ओ एक मिनट, वो मैं लोगों को मार सकता हूँ बैठे बैठे, एक मिनट मैं मार सकता हूँ तो एरो भी, ओ मैं एरो भी मार सकता हूँ, दैट्स काइंड ऑफ कूल। ओके मतलब मैं बैठे बैठे मार सकता हूँ एयर कैनन। ओह वेट अ सेकंड, अगर मैं किसी को एयर कैनन से मारूं, ओह
एम करके हम लोग मार सकते हैं, दैट्स काइंड ऑफ कूल। ले भाई मर के देख। अरे यार दोस्तों को मार नहीं सकते ना, ट्री को मार सकते हैं, एयर कैनन, यस ओके दैट्स काइंड ऑफ कूल। हम लोग एक्चुअली जा सकते हैं, क्या बोलते हो? सो जाते हैं और उसके बाद कल आमना सामना होगा आई थिंक। ओके डिस्माउंट भी होना पड़ेगा और फिर इसको लेना पड़ेगा। ओके सो जाओ चन्ना मामा की यादों में, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ डंजन माय ब्रदर, वी आर गोइंग इन अ डंजन। पर उससे पहले तैयारी का समय है, पहले तो हम लोगों को एरोज बनाने की जरूरत है। कितने एरोज है मेरे पास? है ही नहीं भाई, हम छोटी मिट्टी काम करते ही नहीं है, होते ही नहीं भाई हमारे पास। ओके यार बहुत एरोज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एरोज इज लाइक अ बेस्ट चीज जो लाइक यूजफुल है। सो आई थिंक सो अभी फिलहाल के लिए That's it for this video. जो मेरा टारगेट था वो तो अच्छी हो चुका है, होपफुली तुम लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि पाल वर्ल्ड की सीरीज ऐसी धासु तरीके से आती रहे, लीव अ लाइक, दैट इज सुपर डुपर ऑसम। और अगर नेक्स्ट वीडियो आ गया होगा तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा सिंपल लॉजिक, तो फटाफट से नेक्स्ट वीडियो देखने का। बाय बाय, हैव अ ऑसम डे, हैव अ ऑसम लाइफ। यूनिकॉर्न के साथ चूमा चाड़ी करेंगे हम लोग। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ मेरे पुत्र भागो।